लेटेस्ट न्यूज। बरेली पर्यावरण संरक्षण संदेश हेतु साइकिल यात्रा निकाली। गोंडा तीन दलित बहनों पर एसिड अटैक, एक का चेहरा झुलसा। बिजनौर डिजिटल रामायण का शुभारंभ किया गया। संबल हत्या में एक ही परिवार के 6 लोगों को 10-10 साल की कैद। संबल शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, अब कर रहे दहेज की मांग। न्यू दिल्ली जॉनसन एंड जॉनसन ने बंद किया COVID-19 वैक्सीन का ट्रायल। महाराष्ट्र में मंदिर का महाभारत, ठाकरे कोश्यारी ने धर्म निरपेक्षता के मायने लेकर एक दूसरे को लिखा पत्र। पीएम मोदी ने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का किया विमोचन, कहा उनके कार्य पीढ़ियों तक याद करेंगे प्रेरित। न्यू दिल्ली योगी सरकार से बोली प्रियंका, किसान को धान का सही दाम नहीं मिला तो आंदोलन करेगी कांग्रेस। राज्यसभा में 15 अक्टूबर को चरणबद्ध तरीके से फिर खोले जाएंगे स्कूल। मुरादाबाद पागबड़ा शिक्षक हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भोजपुर मुरादाबाद हल्का लेखपाल 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। मंदिर खोलने पर गवर्नर ने याद दिलाया हिंदुत्व, उद्धव बोले नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। घर के बाहर खेल रही बालिका फुसला कर ले गया किशोर, दुष्कर्म के बाद फरार। कायाकल्प योजना सीढ़ियों ने सच पर रखने के लिए 40 अफसरों को लगाया, सामने आएगी स्कूल की सच्चाई। हवाई अड्डे की निर्माण लागत बढ़ाए जाने की होगी जांच, उड़ान सेवा के लिए अभी करना होगा इंतजार। अमरोहा इलेक्शन न्यूज मंडी समिति में होगी उपचुनाव की मतगणना, DM बा SP ने किया निरीक्षण। कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने बढ़ाई रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस साल ज्यादा नहीं मिले डेंगू मलेरिया के मरीज। मुरादाबाद प्रत्येक पाली के बाद सैनिटाइज होगा स्कूल, एक बार मांगे सिर्फ 50% बच्चे। UP लखनऊ विधानसभा के सामने महिला ने खुद को लगाई आग, धर्म बदल कर किया था निकाह। लखनऊ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा बोले विद्यालय प्रबंध को ही करने होंगे कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजाम। लॉन मेटोरियम सुप्रीम कोर्ट में शाम तक के लिए टली सुनवाई, सरकार ने कहा ज्यादा राहत संभव नहीं। न्यू दिल्ली हिम्मत दिखाने वालों के खिलाफ हो रहा राजद्रोह कानून का दुरुपयोग, पूर्व जज इस्टिस सोलुकर। 24 देशों में 24 घंटे में आए 55,342 नए केस, संक्रमण के कुल मामले 71,75,880 हुए। बीजेपी सांसद ने हाथरस की घटना को बताया बनावटी, कांग्रेस ने जताई आपत्ति।